किसान भाइयों, हमारे पूर्वज एक कहावत हमेशा कहा करते थे, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। किसान भाइयों, इसका सीधा मतलब यही होता है, अगर आप अच्छी वैरायटी के बीज का चयन करते हैं तो आपको फसल से उत्पादन भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों का यही सपना रहता है कि उनको अपनी फसल से शानदार उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए तीन ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी रोपाई अगर आप सही टाइम पर करते हैं तो किसान भाइयों, यह तीनों वैरायटियां आपके सपने को साकार कर सकती हैं। तीनों वैरायटियां आपको बम्फर पैदावार निकाल कर दे सकती हैं, क्योंकि किसान भाइयों, इन तीनों वैरायटियों ने पिछले कुछ सालों से उत्पादन के ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि अभी तक कोई भी दूसरी वैरायटी इनके रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाई है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी इन तीनों खास वैरायटियों के बारे में जानना चाहते हैं तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इन तीनों वैरायटियों के बारे में संपूर्ण A to Z जानकारी मिल सके। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई जानकारी फटाक से आप तक पहुंचे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में यह जो हमारी तीनों खास वैरायटियां हैं, किसान भाइयों, इनमें जिसको हमने तीसरे नंबर पर जिस वैरायटी को रखा है किसान भाइयों, वह वैरायटी है सवन्ना सीड्स की श्रेष्ठ गोल्ड। जैसा नाम है किसान भाइयों, इसका वैसा ही काम भी है। जी हाँ दोस्तों, श्रेष्ठ गोल्ड या वही वैरायटी है किसान भाइयों जो आपकी गरीबी मिटा सकती है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो यह वैरायटी कम समय में तैयार हो जाती है। लगभग 130 से 140 दिन में यह वैरायटी पक के पूरी तरह से कटाई के योग्य हो जाती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी BLB झुलसा जैसे रोगों के प्रति भी अधिक सहनशील रहती है, जिसके कारण इसकी पैदावार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी में तना और कल्लों की संख्या की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें 25 से 27 कल्ले आते हैं। मध्यम हाइट, तना भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से यह वैरायटी गिरती नहीं है और पैदावार में भी कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दाना भी लंबा वजनदार, साथ ही अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। किसान भाइयों, यह वैरायटी हर एक परिस्थिति में आपको एक शानदार उत्पादन निकाल कर दे सकती है, जो कि एक दमदार बात है। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी दूसरी जबरदस्त वैरायटी के बारे में, जिसको हमने अपने फॉर्मेट के हिसाब से दूसरे नंबर पर रखा है। तो वह वैरायटी है किसान भाइयों, जो कि हर एक परिस्थिति में एक शानदार उत्पादन आपको निकाल कर दे सकती है। तो वह वैरायटी है किसान भाइयों, पूसा 834। जी हाँ दोस्तों, पूसा 834 लगाएं, भरपूर उपज पाएं। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है किसान भाइयों, यह अर्धबौनी किस्म है, जिसके चलते इसका पौधा तेज आंधी में भी गिरता नहीं है। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की हम रोपाई की बात करें तो इसकी रोपाई आप लोग 20 जून से लेकर 25 से 30 जुलाई तक आप कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, यह जो समय होता है इस वैरायटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहता है। अगर किसान भाइयों, इसमें हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी BLB, ब्लास्ट जैसे और भी खतरनाक रोगों के प्रति काफी ज्यादा सहनशील रहती है। इस वैरायटी में बहुत ही कम रोग देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर इस वैरायटी की हम पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 125 से 130 दिन में पक के पूरी तरह से तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ आपको यह वैरायटी पैदावार निकाल कर दे सकती है। किसान भाइयों, यह किस्म कोई ऐसी वैसी किस्म नहीं है, इस किस्म को किसान भाइयों भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। आप इस पर पूरी तरह से विश्वास
कर सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं किसान भाइयों, तो आप अपनी फसल से कभी फेल नहीं होंगे। यह वैरायटी आपको एक अच्छी पैदावार निकाल कर दे देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों अपनी पहली सबसे शानदार धांसू वैरायटी के बारे में। वह वैरायटी है किसान भाइयों सवन्ना सीड्स की मार्शल प्लस। जी हाँ दोस्तों, यह वही वैरायटी है किसान भाइयों जो आपकी गरीबी को जड़ से मिटा सकती है। पैदावार के साथ साथ हर वैरायटी से महंगी वैल्यू भी है मार्केट में। किसान भाइयों अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें, तो यह वैरायटी कम समय में पक्के तैयार हो जाती है। लगभग 120 से 125 दिन में यह वैरायटी पक के पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आलू मटर गेहूं की अगली फसल के लिए खेत भी समय से खाली हो जाता है। किसान भाइयों यह वैरायटी BLB झुलसा जैसे रोगों के प्रति भी अधिक सहनशील रहती है, जिसके कारण इसकी पैदावार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों अगर हम इस वैरायटी में तना और कल्लों की संख्या की बात करें, तो करीब 26 से 28 कल्ले आते हैं। मध्यम हाइट तना भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से यह वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है और पैदावार में भी कोई नुकसान नहीं होता है। किसान भाइयों इस वैरायटी में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दाना भी लंबा, वजनदार, चमकदार, साथ ही अधिक चावल की मात्रा भी मिलती है। किसान भाइयों यह वैरायटी हर एक परिस्थिति में आपको एक शानदार उत्पादन निकाल कर दे सकती है, जो कि एक बहुत ही दमदार बात है। तो यह है किसान भाइयों इस शानदार वैरायटी के बारे में संपूर्ण A to Z जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो निवेदन है आपसे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।